गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर सरिता कुमावर, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको टेक्सटाइल एंड लॉन्ड्री, वस्त्र विज्ञान एवं धुलाई कला विषय पढ़ा रही हूँ। और वस्त्र विज्ञान और धुलाई कला विषय के सिलेबस के अनुसार हमारे सेकंड चैप्टर चल रहा है इन दिनों, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर, रेशे का वर्गीकरण। रेशे के वर्गीकरण में हमने जो नेचुरल फाइबर्स हैं, प्राकृतिक रेशे, वो हमने कंप्लीट कर लिए, उसमें सेल्यूलोसिक फाइबर्स भी कर लिए, और प्रोटीन तंतु, जो प्रोटीन के फाइबर होते हैं, जांतव रेशे, वो भी कंप्लीट कर लिए। और फिर हमने शुरू किया कृत्रिम रेशे यानी आर्टिफिशियल फाइबर्स। आर्टिफिशियल फाइबर्स में भी दो तरह के होते हैं, एक सेल्युलोज फाइबर्स होते हैं, सेल्युलोज से बने रेयॉन एसीटेट, और दूसरे होते हैं तापसुनम्य यानी थर्मोप्लास्टिक फाइबर्स। तो पहला हमने कृत्रिम तंतु जो हैं उसमें सेल्युलोज फाइबर्स लिया, और पिछली बार हमने रेयॉन और एसीटेट, दोनों ही तंतु करीब सेम ही होते हैं और वो सेल्युलोज से बने हुए होते हैं, उनके बनाने की विधि मैंने बताई थी। और आज का जो टॉपिक है वो है रेयॉन और एसीटेट तंतु की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेयॉन एंड एसीटेट फाइबर्स। ये करीब एक जैसे से ही होते हैं, थोड़ा थोड़ा सा इनमें फ़र्क है, क्योंकि ये रुई की पट्टियों से ही बने हुए हैं, सेल्युलोज से बने हुए हैं, लकड़ी के गूदे से बने हुए हैं, और कृत्रिम तरीके से ही स्पिनरेट में से गुजार के बनाया जाता है। इसकी पहली, अगर हम इसकी विशेषता देखते हैं, माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस यानी अनुवीक्षणीय संरचना, माइक्रोस्कोप में देखने पर ये छड़ जैसे, छड़नुमा सीधे सीधे रेशे जैसे दिखाई देते हैं, और लंबी लंबी धारियां भी दिखाई देती है इन रेशों में, छोटी पतली लंबी धारियां, और इन धारियों के कारण इनमें चमक भी होती है। और कई बार जब हम चमक इसमें कम करते हैं, डीलस्टरिंग करते हैं, तो चमक कम कर होने से जो लंबी धारियां होती हैं वो काले रंग के धब्बों में परिवर्तित हो जाती है। और जो एसीटेट फाइबर होते हैं वो इतने चमक के नहीं होते हैं, उनमें थोड़ी सी चमक कम होती है। दूसरी हम इसकी विशेषता देखेंगे लंबाई यानी लेंथ। जो लंबे रेशे होते हैं रेयॉन एसीटेट के, जो लंबे होते हैं वो चिकने रेशे भी होते हैं, तो लंबे और चिकने रेशे को हम फिलामेंट कहते हैं। और फिलामेंट जो वस्त्र बनाते हैं वो साटन जैसा वस्त्र होता है, थोड़ा चिकना और सॉफ्ट मजबूत वस्त्र बनता है। लेकिन जो छोटे छोटे रेशे होते हैं रेयॉन और एसीटेट के, उनको हम स्टेपल फाइबर कहते हैं, और छोटे रेशे जो स्टेपल फाइबर्स होते हैं उनको एक दूसरे से मिक्स करके ऐठन देके मिश्रित सूत बनाया जाता है। कोई दूसरे सूत को भी, दूसरे फाइबर को भी मिक्स कर लिया जाता है, और मिश्रित सूत बनाने के बाद में इनसे जो चीज़ें बनती है वो पर्दे, टॉवल या फिर रिबन, इस तरह की चीज़ें, टेबल क्लॉथ, ऐसी चीज़ें स्टेपल फाइबर से बनाई जाती है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है डायमीटर, व्यास। व्यास मतलब जो स्पिनरेट होती है, जो छिद्रदार कटोरी, उसमें जो छेद हैं उन छेद की चौड़ाई, हम उसको यहाँ व्यास कहते हैं। तो अगर मान लो उन छिद्र को हम सेट करते हैं बड़ा, छोटा या उसका आकार, तो जो उसमें से धागा निकल रहा है वो भी वैसा ही निकलेगा। तो एक से व्यास के, बिल्कुल सेम व्यास के जो तंतु अगर निकलते हैं, उससे जो फैब्रिक बनता है सेम डायमीटर के, तो वो वस्त्र कोमल और चिकना होता है। और अगर हम छिद्र के ऊपर से जो हम लिक्विड डाल रहे हैं उसके दबाव पर नियंत्रण रखें, तो कई बार मोटा या कई बार पतला रेशा, कोई सा भी जो हमको जिस प्रकार का रेशा चाहिए वो हम दबाव पर कंट्रोल करके और स्पिन रेट में से निकाल सकते हैं। दूसरा एक और मेथड होता है, जो घोल होता है उसको और ज़्यादा गाढ़ा करके या और ज़्यादा पतला करके, तो भी हम रेशे की जो डायमीटर है, चौड़ाई, वो भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट है कलर यानी रंग। जो विस्कॉस विधि से बनाते हैं तो उसमें पीले कलर का रेयॉन बनता है, जो क्यूप्रामोनियम से बनाते हैं वो वाइट कलर का रेयॉन होता है, और जो एसीटेट होता है वो कलरलेस, वो रंगहीन होता है। तो अगर हमको इनको कलर करना है या इनको ब्लीच करना है, तो उनको कताई के पहले ही, मतलब कताई करने के पहले या लच्छी बनाने के पहले ही हमको इनको या तो कलर करना है या तो ब्लीच करना है, उसके बाद नहीं करते हैं, पहले ही करना होता है। नेक्स्ट है
चमक यानी लस्टर, जो रेयन और एसीटेट फाइबर्स हैं उनमें चमक थोड़ी ज़्यादा ही होती है इसलिए डीलस्टरिंग करनी पड़ती है, हालांकि एसीटेट में कम होती है लेकिन रेयन में चमक अच्छी खासी होती है, तो चमक इसमें ज़्यादा होती है तो कम करने के लिए लवणीय तेल या फिर रंजक जो है वो उस घोल में ही मिला देते हैं, जो स्पिनरेट में डाला जाता है उस घोल में ही डाल देते हैं, तो जो कताई की प्रक्रिया होती है उसी में ही रेशे जो हैं वो कम चमक के आने लगते हैं। तो इस प्रक्रिया से तीन तरह के रेशे बनाए जाते हैं, एक तो चमकदार, एक कम चमक वाले और एक फीके रंग के, बिल्कुल जो न्यूट्रल कलर हो जाता है बहुत ही फीके कलर वैसा बनाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है मजबूती या स्ट्रेंथ, तो जो रेयन और एसीटेट फाइबर्स हैं ये सूखी अवस्था में बहुत मजबूत होते हैं लेकिन जैसे ही ये गीले होते हैं तो ये 40-70% मतलब 40-70% तक कमज़ोर हो जाते हैं, तो गीले अगर हों तो उनको झटकना उठाना ज़्यादा चौड़ा करना तो वो उतना भार नहीं सहन कर पाएंगे और वो फट जाएंगे। नेक्स्ट है लचीलापन, रेयन और एसीटेट चूँकि लचीले होते हैं इसलिए इनमें क्रश नहीं होता, मतलब सलवटे नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है प्रतिस्कंधता, वही रेजिलियंसी, रेजिलियंसी जो होती है, लचीलापन तो इनमें ज़्यादा होता है लेकिन प्रतिस्कंधता में जो है इसकी खींचने की क्षमता वो थोड़ी कम होती है, तो खींचने की क्षमता में क्या थोड़ी देर तक अगर फैलाएंगे, थोड़ा फैला कोहनी पर से या कहीं से भी, तो वो वापस से पूर्व स्थिति में आ जाता है, मतलब इतना तो रेजिलिएंट होता है, लेकिन बहुत देर तक अगर उस पर प्रेशर पड़ता रहा कि कहीं भी अपनी बॉडी में या कहीं और टांग रहे हैं उसको, तो बहुत ज़्यादा अगर उसको फैलाते हैं तो वो फट सकता है। नेक्स्ट है जल अवशोषकता, जल अवशोषकता में रेयन तो थोड़ा पानी को सोख लेता है, जैसे सिल्क नमी को सोख लेता है वैसे ही रेयन जो है वो नमी को सोख लेता है, लेकिन एसीटेट बिल्कुल भी नहीं सोखता है, वो पानी को एंटर ही नहीं होने देता है खुद के रेशे में, इसीलिए एसीटेट के छाते, बरसाती पर्दे, जो बाथरूम के पर्दे वगैरह होते हैं उनको बनाया जाता है। नेक्स्ट है ताप और प्रकाश का प्रभाव, जब लाइट का इफेक्ट होता है, लाइट यानी प्रकाश अगर उन पर पड़ता है रेयन पर एसीटेट पर, तो उन पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो सहन कर लेते हैं, लेकिन अगर सूखा ताप उन पर लगाया जाए तो वो जल जाते हैं। नेक्स्ट है फफूंदी का प्रभाव, फफूंदी का इन रेयन और एसीटेट पर कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन अगर नमी, मॉइस्चर, आर्द्र बहुत ज़्यादा समय के लिए हो तो वो वहाँ फफूंदी लग सकती है। नेक्स्ट है अम्ल का प्रभाव, इस पर अम्ल का बहुत इफेक्ट होता है, अगर सांद्र अम्ल कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होगा तो वो पूरा नष्ट हो जाता है, लेकिन तनु अम्ल से भी उनकी चमक कम हो जाती है, चमक में हानि पहुंचती है। फिर क्षार का प्रभाव, क्षार अगर हम इस पर लगा देते हैं, थोड़ा भी अगर सांद्र है, तनु है, कोई सा भी, सांद्र से तो नष्ट होंगे ही लेकिन तनु क्षार होगा उससे भी इनकी चमक कम हो जाती है। नेक्स्ट है विरंजक का प्रभाव, जब हम इसको ब्लीच करते हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीच से नहीं करना चाहिए, हमको तनु ब्लीच, तनु जो विरंजक है वो इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि विरंजक का इस्तेमाल करने से रेयन और एसीटेट कमज़ोर हो जाते हैं, उनका तंतु वीक हो जाता है। नेक्स्ट है आग का प्रभाव, जब हम इस पर फ्लेम लगाते हैं तो ये रुई की तरह फटाफट जल जाता है, लेकिन जैसे ही आग हटाते हैं तो आखिर में बीड बन जाती है, मतलब काला दाना सा बन जाता है। नेक्स्ट है घर्षण का प्रभाव, घर्षण मतलब रगड़ना, तो अगर हम उसको रगड़ते हैं तो इसकी चमक कम हो जाती है और ये कमज़ोर भी हो जाता है, तो इसलिए जब इन कपड़ों को भी धोते हैं तो ऐसे बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है ताप का संचालन, ताप संचालन मतलब ये गुड कंडक्टर होते हैं, सुचालक होते हैं, सुचालक होने से ये शरीर की जो गर्मी है वो शरीर से बाहर निकाल देते हैं और ठंडक का एहसास करवाते हैं हमारी बॉडी को, इसीलिए रेयन को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है गर्मी में, और ये सस्ता भी होता है, मैनमेड भी होता है, सबसे ज़्यादा इसको पसंद करते हैं, लेकिन फिर इसमें रोएं आ जाते हैं क्योंकि ये सिंथेटिक बना हुआ होता है। नेक्स्ट है चिर स्थाई, अगर छोटे छोटे रेशे जो स्टेपल फाइबर
कलर्स हैं उनसे जो बनाए हुए वस्त्र हैं वो ज़्यादा टिकाऊ नहीं होते, वो जल्दी घिस जाते हैं, खराब हो जाते हैं। लेकिन जो फिलामेंट जो लंबे लंबे रेशे से बने हुए होते हैं वो चिकने, कोमल और मजबूत और चिरस्थायी होते हैं, लॉन्ग टाइम तक वो कपड़े चलते हैं। नेक्स्ट है कीड़ों का प्रभाव। वैसे इस पर कीड़े नहीं लगते हैं लेकिन इनको सूखे स्थान पर स्टोर यानी संग्रहित करना चाहिए, नमी से कीड़े लग जाते हैं। और लास्ट है कि रेयन और एसीटेट आसानी से धुल जाते हैं लेकिन इन पर धब्बे जैसे ही गिरे फटाफट साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर अम्ल थोड़ा सा भी गिरा तो अम्ल इसके तंतु को, इसके चमक को हानि पहुंचाता है, कलर को हानि पहुंचा सकता है। धुलाई में ये इजीली धुल जाते हैं लेकिन धब्बे हों तो फटाफट साफ कर देना चाहिए। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है सेल्युलोज फाइबर्स जो हैं रेयन और एसीटेट, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी विशेषताएं। तो सेल्युलोज फाइबर्स जो हैं आर्टिफिशियल सेल्युलोज फाइबर्स रेयन और एसीटेट, अगर हम उनको देखते हैं माइक्रोस्कोप में तो वो छड़ जैसे लंबे दिखाई देते हैं, उनमें लंबी लंबी धारियाँ होती है, चमक वाले होते हैं, चमक को कम करते हैं तो वहाँ धारियाँ जो है वो काले धब्बे जैसी हो जाती है। जो लंबे काले इनके रेशे होते हैं उनको फिलामेंट कहते हैं, वो चिकने मजबूत अच्छे वाले वस्त्र बनाते हैं। छोटे जो रेयन और ये होते हैं वो स्टेपल फाइबर्स होते हैं और वो कोई मिश्रित तंतु बना के और मिश्रित वस्त्र बनाते हैं। जब रेयन के धागे और एसीटेट के धागे बनते हैं तो हम उसका स्पिन रेट के छिद्र और इनसे व्यास को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर जो घोल होता है उसको गाढ़ा और पतला करके भी जो रेशे की डायमीटर है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और जो रेयन अलग अलग विधि से बनते हैं, विस्कोस विधि से पीले कलर के या फिर पीपरा अमोनियम में वाइट कलर के, और एसीटेट तो कलर लेस होता है, लेकिन अगर इनको कलर करना है या ब्लीच करना है तो लच्छी बनाने और कताई करने से पहले करना होता है। ये सूखे में बहुत मजबूत होते हैं, सूखे होते हैं जब तक गीले होते ही 40-70% कमजोर हो जाते हैं। इनमें चमक बहुत ज़्यादा होती है लेकिन तेल से, टाइटेनियम डाइऑक्साइड से या मोम डालने से इनकी चमक कम कर दी जाती है। इनमें लचीलापन अच्छा होता है इसलिए सलवट नहीं पड़ती, लेकिन जब ये फैल जाते हैं थोड़ी देर तक अगर ये फैले रहते हैं पहने हुए तो अपनी पूर्व स्थिति में आ जाते हैं, लेकिन बहुत देर तक अगर फैलाते हैं चौड़ा करते हैं तो वो फट सकते हैं। रेयन जल को अवशोषक करता है, जल को अवशोषित कर लेता है, वाटर एब्जॉर्बेंसी होती है, लेकिन एसीटेट में बिल्कुल भी नहीं होती है, इसीलिए छाते और पर्दे और बरसाती एसीटेट से बनाए जाते हैं। प्रकाश का इन पर कोई इफेक्ट नहीं होता हानिकारक, लेकिन ताप से ये जल जाते हैं। अम्ल तो दोनों ही तरह के इन वस्त्रों के लिए हानिकारक होते हैं, सांद्र तो नष्ट कर देते हैं सांद्र अम्ल तो, लेकिन तनु अम्ल भी इनकी चमक को कम कर देते हैं। इसी तरह से तनु और सांद्र क्षार जो हैं वो भी इनकी चमक को और मजबूती को कम कर देते हैं। अगर हम इनको रगड़ के धोएं रेयन और एसीटेट को तो घर्षण का इन पर बहुत इफेक्ट होता है, इनकी चमक कम हो जाती है, कमजोर हो जाते हैं, मजबूती खत्म हो जाती है और ये ताप के सुचालक होते हैं, तो ये गर्मी को शरीर से बाहर निकाल देते हैं और कपड़े को ठंडा रखते हैं, इजीली धुल जाते हैं। लेकिन इनके धब्बे को जल्दी से हटा देना चाहिए, इन पर कीड़े का प्रभाव नहीं होता लेकिन इनको नमी नहीं चाहिए, सूखे स्थान पर रखना चाहिए। और इनके जो छोटे रेशे होते हैं उनसे बना वस्त्र जो है वो तो लंबे समय तक नहीं चलता, जल्दी घिस के खराब हो जाता है, लेकिन जो फिलामेंट्स होते हैं लंबे रेशे उनसे जो वस्त्र बनते हैं वो बहुत ही चिरस्थायी और लंबे समय तक चलते हैं। तो इस तरह से ये कृत्रिम तंतुओं में सेल्युलोजिक फाइबर्स थे, सेल्युलोज फाइबर रेयन और एसीटेट के विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स। थैंक यू।